मॉर्निंग, हैप्पी वाला संडे। कैसे हैं आप लोग? तो जी आज है संडे मॉर्निंग, मॉर्निंग ड्रिंक के साथ आप गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? जी मैं ठीक हूँ। और आज मैंने ये देखे नोज पिन हटा के ये पहनी है, नोज रिंग पहनी है। तो बताइएगा कैसी लग रही है मेरे फेस पे, नोज रिंग अच्छी लगती है या ये नोज जो रिंग है ये अच्छी लगती है? आज की रूटीन क्या होने वाली है आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, बताना है और अच्छे अच्छे कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है चैनल को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या होने वाला है। अम्मा ने लगा ली सुबह सुबह मशीन, मेरी अम्मा ने लगा ली आज सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन क्योंकि संडे है। और आज मैं थोड़ा नींद पूरी करके उठी हूँ 10:30 बजे आराम से, वरना जल्दी जल्दी उठना होता था क्योंकि क्लास भी जाना होता था। आज मैंने अपनी क्लास से फिर ऑफ किया, कल मेरी लास्ट क्लास है तो आज नाश्ता बनाने की ड्यूटी मेरी है। तो चले जी नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद हम सलून जाएंगे। और आप लोगों ने ये मॉर्निंग ड्रिंक ट्राई की है कि नहीं की है आप लोग बताइएगा, अगर की है तो भी बताएं कि क्या रिजल्ट है, नहीं की तो भी बताएं कि भाई क्यों नहीं की, आप लोग ट्राई कीजिए, इसका रिजल्ट वाकई ही बहुत अच्छा है। और मैंने अभी जल्दी जाने के चक्कर में जो है ना वो 1 वीक पूरा नहीं पी है, तो अब दोबारा से मैं ये रूटीन शुरू कर रही हूँ। यहाँ मेरे परांठे जो है वो बन रहे हैं, आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो मैं नाश्ता बना रही हूँ। वैसे तो संडे के संडे ही बनाती हूँ मैं नाश्ता, लेकिन बहुत कम होता है कि नाश्ता बनाऊँ मैं। और नाश्ते के साथ साथ हमने सोचा अपनी भी वीडियो बना लें, और घर बिखरा हुआ है, सफाई होने वाली है तो अम्मा करेंगी आज के काम। आज मैं जा रही हूँ अकेले सलून, देर हो गई मुझे, आज क्या होती है आप और जी सलून में आज आई हमारे पास क्लाइंट। इनके बाल जो थे बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज थे, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टैंगल्स हैं बालों में, रीस्ट्रक्चर करना बहुत मुश्किल, कितना केमिकल ट्रीटेड है। तो हमने इनको सजेस्ट किया था हेयर बोटेक्स, हमने इनके बालों पे बोटेक्स ट्रीटमेंट किया है। बिफोर का लुक आप देख लें, कितना ज़्यादा बाल इनका ख़राब है और ये कॉम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब हमने इनके हेयर बोटेक्स किया तो उससे इनके बालों का जो टेक्सचर था वो सॉफ्ट तो हुआ, लेकिन जो फ्रेशनेस थी वो 100% नहीं रिमूव हुई, क्योंकि 100% इस वजह से रिमूव नहीं हुई कि इनका बाल एक तो बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड था, दूसरा ये इनके बालों पे कट डाउन बहुत ज़्यादा हुआ था जिसकी वजह से बाल ड्राई होके बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था और फर्स्ट अटैम्प में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आना था। देखें अब यहाँ मैं इनके कॉम कर रही हूँ तो कितने ईजिली इनके ब्रश हो रहा है, वरना पहले आप देखें क्लिप में इनके बालों पर कॉम नहीं हो रहा था। तो 100% तो नहीं, 40% इनके बालों पे जो है वो ट्रीटमेंट ने वर्क किया है, बाकी नेक्स्ट इनका ट्रीटमेंट जो है वो 100% पे ही जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ गई एक क्लाइंट, ये क्लाइंट बहुत दूर से आई थी हमारे पेज से हमारी डील्स और पिक्चर्स देखकर। तो इनके हमने किया था फंकी कलर्स, हमने इनके पर्पल और रेडिश टून दी थी, मतलब रेड पिंक और मरून वाला जो रेड होता है ना वो वाला इनके हमने किया था, इनके चंक्स डाले थे हमने। तो आप लोगों ने बताना है कैसी लगे इनके बालों पे ये चंक्स और कैसा रहा, बहुत अच्छा इनके बालों का टेक्सचर हो गया था और बहुत प्यारा इनके अपने मतलब लुक था, और ये करवाने से तो इनके बालों में समझे एक जान आ गई थी। और कमेंट करके आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसा लगता है वर्क, और जो क्लाइंट वीडियोज़ के थ्रू मेरे पास आ रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू कि वो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, वर्क को पसंद कर रहे हैं। और जी यहाँ देख लीजिए इनका फाइनल रिज़ल्ट। तो इनके हमने 5 फॉइल लगाई थी, 5 फॉइल में भी इतना ब्लेंडेड लुक दिया है कि ऐसा लग रहा था कि फुल हेड ही इनके जो है ये चंक्स हुए हैं, जबकि हमने जस्ट क्राउन एरिया पे इनके वर्क किया था और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आया था। और मेरा दिल जब इस तरह के मैं कोई डिफरेंट कलर्स से खेलती हूँ तो फिर मेरा अपना भी दिल जो है ना वो थोड़ा सा ललचाता है कि मैं भी क्यों ना अपने बालों पे करूँ, लेकिन अब मैं अपने बालों पे कोई कलर का काम नहीं करूँगी। खैर आज की रूटीन तो बहुत ज़्यादा बिजी रही क्योंकि हमारे सलून में चल रही है 30-40% ऑफ चल रहा है, तो
आप लोग भी अवेल कर सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं हमारे सैलून में और सर्विस लेंगे। जो मेरे चैनल पे कमेंट करके आएगा उनको और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।